बड़ी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए हैं वो एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है नियत। और भाई ये एक मिस्ट्री मूवी है, मुझे वैसे ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं। और अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो डायरेक्ट किया है अनु मेनन ने। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है विक्रम मल्होत्रा और स्टार कास्ट में है विद्या बालन, राम कपूर, राहुल बोस, दीप अनीता शर्मा, ओके शशांक अरोड़ा, सहाना गोस्वामी, नीरज काबी, अमृता पुरी, प्रजक्ता कोहली है और निकी वालिया है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कितनी डिफरेंट लगी थी। वेलकम टू स्कॉटलैंड मिस्टर कपूर। स्कॉटलैंड बचाता हूं कि आज का दिन मैं और मेरे मेहमान हमेशा याद रखें। हैप्पी बर्थडे। You know we love you, AK. Thank you, Don Corleone. Okay, मुझे लगा यहाँ भी कुछ होना है ना? स्टार का सारी बहुत अच्छी है। क्या हुआ? He jumped off the bloody cliff. Meera Rao, CBI. Mr. Kapoor ने suicide नहीं किया है, उनका murder हुआ है। मुझे सारे कमरों की चाबी चाहिए और सबके फोन्स भी। ओके ये जो उसके सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ना, जलते थे मुझसे। एके मेरा दिल बार-बार तोड़ता रहा। वो मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है मिस्टर मिस्त्री? वो मेरे डैड थे। वी लव्ड ईच अदर। स्टेप डैड। मैं जानती भी नहीं उन लोगों को, आज मिली हूं इनसे। हर एक के डिजाइनर कपड़ों से बदबू आ रही है। मौत ही तो आखिरी सच है ना, उससे क्या डरना। तुम डरती हो? We have a killer amongst us. कुछ नहीं जानती तुम हमारे बारे में। एक दिन में बहुत कुछ खो दिया है मैंने। You are turning us against each other. यहाँ जो भी हो रहा है कुछ पता है तुम्हें मेरा? रूप है मेरे पास। Room full of dirty Uncle Jimmy. Each and every one of you is nothing but a bloody leech. A long night and here we are. क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? अपना काम। भाई ट्रेलर की बात है तो वाकई एक मिस्ट्री मूवी की जो है ना फुल वाइब्स ए टू जी ट्रेलर में मैं कहता हूँ ऑसम वाइब्स थी। वैसे जब स्टार्ट हुआ है ना और मतलब ट्रेलर में अब वो लग रहा था कि यहाँ पर अब कुछ हो जाना जितने लोग आ रहे थे। दूसरा वो जगह भी कुछ इस तरह की बनी हुई है। एक चीज समझ नहीं आती मूवीज में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी जब फॉरेन कंट्री में बनती है तो आपको ये बड़े बड़े कासल जो नजर आते हैं, आई थिंक कासल ही होते हैं ना, विलास कह लें, विला हवेली कह लेते हैं। चलो हाँ, हमारी जुबान में हवेली, हवेलियां होती है। ये कितनी ऐसी जगहों पर होती है ना जो बिल्कुल वीरान सी होती है, वीरान और समंदर के किनारे। एग्जैक्टली है ना, डर लगता है देखकर। लेकिन खैर जिस तरीके से राम कपूर का बीच में मर्डर हो जाता है और उसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए फिर विद्या बालन आती हैं, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर पता नहीं क्यों कहीं कहीं मेरा थोड़ा सा हॉरर भी लग रही है। वैसे मिस्ट्री मूवी ऐसी होती है कि आपको थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि डाउट तो सब पर जाता है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हो रही थी जैसे शैंडलियर गिर जाना, लाइट चली जानी, सर पे लगना, तो आपको डर लगता है कि वैसे लग रहा है जैसे हॉरर मूवी भी है साथ। यार वैसे तो मुझे विद्या बालन की जो फर्स्ट लुक जो एकदम मिरर में आई थी मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे बीच में कहीं ना कहीं जो है ना डाउट विद्या बालन जी पर भी जो है ना जा रहा है, क्योंकि क्योंकि उसकी रीजन ये जहाँ पे उन्हें सीबीआई कहा है अकेली वो आई है, बाकी और कोई बंदा आया नहीं। खड़े हुए थे साथ साइड पे पीछे, मुझे लग रहा है कि होंगे, पता नहीं। पूरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे तो अकेली नजर आ रही है। वो मरने के बाद मारने के बाद ही क्यों आएंगी ये भी तो सोचो ना। फिर
भाई देखो उन्होंने आके उन्होंने बताया ना कि किसी ने धक्का दिया है, किसी ने कत्ल किया है, बाकी सारे तो यही कह रहे थे गिर गए। ट्रेलर में देखा है, अभी मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, पर मुझे विजय बालन की नो डाउट लुक बहुत अच्छी लगी है और विजय बालन की मूवीज भी काफी मजे की होती है। मुझे बेगम जान, शायद आपने बेगम जान मूवी देखी हो? नो, मैंने। बहुत अच्छी मूवी है उनकी, मुझे जो है ना इनके बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी उनकी। लेकिन जो है भाई इस मूवी में जो है ना आपको थ्रिल हर चीज में कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा ओम शांति ओम वाली वाइब्स भी जो है ना बीच में आई है। अच्छा वैसे मुझे अगर मैं इसके पोस्टर की भी बात करूं और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की भी बात करूं ना, तो मुझे थोड़ा सा ना हॉलीवुड टच नजर आ रहा है। मतलब जो स्टाइल है मूवी का उसमें, वो बेसिकली कुछ बनी भी स्कॉटलैंड में भी है तो उस वजह से भी काफी ज्यादा डायरेक्शन का भी तो एक स्टाइल होता है ना। तो क्योंकि अगर लुक्स की भी बात करें ना विद्या बालन की, तो वो काफी डिफरेंट इसी वजह से भी लग रही है बिल्कुल। और बीच में जो रिलेशंस की अगर बात की जाए, जैसे स्टेप सन की बात की जाए, बाकी उनकी गर्लफ्रेंड्स की फ्रेंड्स की बात की जाए, तो एक तरह का जो है ना काफी ज्यादा मिस्ट्री जो है आपको, हाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाई इनके एक तरह का होता है ना कि सारे मिलकर खा रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज भी आपको जो है ना कहीं ना कहीं फील हुई है। मूवी आएगी तो आइडिया होगा कि भाई एक्चुअल स्टोरी क्या है, लेकिन टीजर में पता चल जाए या ट्रेलर में पता चल जाए तो फिर भाई मैंने तो सबसे पहले देखा भाई किसी मूवी का रीमेक तो नहीं है, क्योंकि वही आपके वाली बात है ना इसके पोस्टर में और इसके जो है ना ट्रेलर में आपको एक टच जो है वो हॉलीवुड वाला जो है वो नजर आता है, तो इस वजह से मैंने देखा, लेकिन नई रीमेक नहीं है भाई ये। वेल मूवी रिलीज हो रही है 7 जुलाई को और आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ट्रेलर। इसी के साथ मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।